हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन, जो कि एक तरह से भाषा का एक पार्ट है। जब हम कुछ भी बात या भाव या विचार व्यक्त करते हैं तो उसमें ध्वनि समाहित रहती है। भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संबंध भाषा के भौतिक आधार ध्वनि से है। मनुष्य के मुख से निर्गत शब्द ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन भाषा विज्ञान में ही किया जाता है। कान से सुनाई देने वाले किसी भी शब्द को ध्वनि कहते हैं। सामान्यतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा से संबंधित शाब्दिक शब्द को ध्वनि कहा जाता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जितना इस क्षेत्र में कार्य हुआ है उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अब हम देखेंगे ध्वनि का अर्थ, मीनिंग ऑफ साउंड। संस्कृत भाषा में ध्वनि शब्द धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा से संबंधित सार्थक शब्द को जो है ध्वनि कहा जाता है। मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम एक तरह से भाषा ही है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, बालक अथवा छात्र, केवल संकेतों से बात करेगा तो सामने वाला उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। ध्वनि का मूलाधार मानव, यानी कि ध्वनि का मूलाधार है, या कहें भाषा का मूलाधार ध्वनि ही है। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से बाहर निकालकर वाग्विगम के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करता है, उसे ध्वनि कहा जाता है। यानी मन में जो भी व्यक्ति ने सोचा और उसको जब भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा तो जो भी शब्द होंगे उसमें ध्वनि समाहित होगी। दूसरे शब्दों में हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है वही ध्वनि आवाज होती है। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है और ये चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। संस्कृत भाषा में जो कि बताया ही गया था, ध्वनि शब्द धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है। ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, भाषा ध्वनि और ध्वनि ग्राम। भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द को सामान्य ध्वनियों से भिन्न बताने के लिए भाषा ध्वनि कहा गया है। भाषा ध्वनि की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की परिभाषा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि मानव के ध्वनि यंत्र द्वारा उत्पादित तथा निश्चित श्रवण गुणों से युक्त ध्वनि को भाषा ध्वनि कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि वह ध्वनि है जिसे मनुष्य अपने मुंह के नियत स्थान से निश्चित प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चारित करे और श्रोता जिसे उसी अर्थ में ग्रहण करे। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के शाश्वत नियमानुसार परिवर्तनशील है। कहा भी गया है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन का चक्र जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर चलता रहता है। मनुष्य, जातियां तथा उनके स्थान, वेशभूषा, रहन सहन बदल जाते हैं। परिवर्तन की गति का प्रभाव संसार की सब भाषाओं पर भी पड़ता है। भाषाओं का जो रूप आज से हजारों वर्ष पूर्व था, अब वह नहीं है। संसार की प्राचीन भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के रूप में परिवर्तन होने के बाद में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें अधिकांश वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। भाषा में होने वाले इस परिवर्तन को विद्वान विकार या विकास के नाम से भी अभिहित करते हैं। भाषा के विभिन्न अंगों, ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा में ये परिवर्तन कई प्रकार से होता है, ध्वनि में, रूप में या अर्थ में। कभी कभी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कुछ ध्वनियों का प्रयोग कम हो पाता है।
धीरे धीरे वह लोपप्राय हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। कुछ नवीन ध्वनियों का समावेश उसमें हो जाता है और वे आगे बढ़ती चली जाती हैं। उच्चारण संबंधी अंतर होने से भी परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणों से भाषा में ध्वनि संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ध्वनि परिवर्तन के कारण। ध्वनि परिवर्तन के मुख्य रूप से दो कारण हैं, आभ्यांतर कारण और बाह्य कारण। आभ्यांतर कारण के विषय में हम सबसे पहले देखेंगे ध्वनि, जब ध्वनि उच्चारण करने वाले के प्रभाव से ध्वनियों में अंतर उत्पन्न हो जाता है तो उसे आभ्यंतर कारण कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन करने वाले प्रमुख आभ्यंतर कारण इस प्रकार से हैं, जो कि हम क्रमशः देखेंगे, मुख श्रुति या कहें इससे प्रयत्न लाघव। ये आभ्यंतर कारणों में से प्रमुख कारण हैं। भाषण करते समय वक्ता ध्वनियों का उच्चारण अपनी सुविधा से करता है। बोलते समय वह चाहता है कि अल्प प्रयत्न से कम उच्चारण करके अपना अभिप्राय श्रोता पर प्रकट कर दे। परिणाम ये होता है कि मध्यस्थ ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं। इसी कारण मुख सुख के लिए संस्कृत में संधियों का विधान है। इसी मुख सुख के लिए अंग्रेजी में नाइट, टॉप, वॉक आदि शब्दों में, जैसे नाइट में जी एच एवं चौक टॉक इत्यादि में एफ आदि का उच्चारण नहीं रहता, अर्थात वे साइलेंट रहते हैं। हिंदी में स्कूल का सकूल या ई स्कूल, स्टूल सटूल या स्टूल, लक्ष्मण लखन आदि का प्रयोग हम देखते हैं सामान्यतः। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, शब्दों की लंबाई। ध्वनि परिवर्तन के कारण अभ्यांतर कारण के अंतर्गत शब्दों की लंबाई, शब्दों की असाधारण लंबाई के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जो शब्द अधिक लंबे होते हैं उन्हें बोलने में असुविधा होती है, इसीलिए इसमें परिवर्तन अधिक होता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय लोक दल वालों, संयुक्त विधायक दल संविद, इस प्रकार से इन्हें संक्षिप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिति के कारण ध्वनियों की अपनी शक्ति। संयुक्त व्यंजनों में दोनों व्यंजन समान शक्ति के हैं तो पहला निर्बल होता है तथा दूसरा सबल, अर्थात सबल ध्वनि निर्बल ध्वनि को अपने वशीभूत कर लेती है या अपने अनुसार परिवर्तन भी कर लेती है। जैसे अग्नि, दुग्ध, कर्म, सप्त, जिसमें दुग्ध का दूध, कर्म का कम, या इस कर्म इस तरह से बोलते हैं, सप्त का सात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्षिप्र भाषण, बोलने की शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। जब किसी भाषा को धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का ठीक ठीक उच्चारण करते हुए बोला जाता है तो उसका जो स्वरूप होता है वह क्षिप्र भाषण में नहीं रहता। जैसे साहित्य में लिखा तो जाता है पंडित जी, लेकिन शीघ्रता के कारण सर्वत्र उच्चारण पंडित जी होता है। और अन्य उदाहरण है, जैसे जिन्होंने जिन्हें बोल देती हैं उन्होंने उन्हें, और डू नॉट डोंट, पार्ट टाइम पार्ट टाइम, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अशिक्षा या अज्ञान। अशिक्षा या अज्ञान के कारण ही ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। देसी या विदेशी शब्दों का अज्ञानता के कारण प्राय अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे बॉम्ब बम, होटल और रिपोर्ट रपट, टिकट सर्टिकेट, कंपाउंडर कंपाउंडर, ओवरसियर ओसियर, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुकरण की अपूर्णता, यानी कि जो अनुकरण किया जाता है उसकी अपूर्णता। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी ध्वनि का उच्चारण करता है तो उसका दूसरा व्यक्ति जो है उसका अनुकरण करके सीख लेता है, लेकिन अनुकरण में त्रुटियां रह जाती हैं। इस प्रकार अनुकरण अपूर्ण रह जाता है, अतः ध्वनियों में परिवर्तन आता जाता है जिसका समय समय समाज में प्रचलन हो जाता है। उपाध्याय झा, ओम नमः शिवम, इस प्रकार से जो जैसा अनुकरण होता है वैसे ही बोला जाता है।
अब नेक्स्ट शब्द देखेंगे यादृच्छिक शब्द। बोलते समय व्यक्ति अपने शब्द यानी कि अपने आप शब्द बनाकर बोलते हैं, उन्हें यादृच्छिक शब्द कहते हैं। कभी कभी एक शब्द की समानता पर जोड़ा शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है, जैसे खाना वाना, रोटी बोटी, पानी वानी आदि। अब नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इसका, ध्वनि परिवर्तन के कारणों में आव्यय का कारण हम देख चुके हैं। वायरी कारण कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला है, भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। अधिक ठंडे स्थानों में व्यक्ति मुख नहीं खोल सकता है, अतः विवृत ध्वनियों का विकास नहीं हो पाता। प्रारंभिक में इसकी विपरीत विवृत ध्वनियों का अधिक विकास होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी बाहरी संपर्क में कम आते हैं, अतः उनका मानसिक, सामाजिक, धार्मिक विकास धीमा रहता है। नेक्स्ट है लेखन का प्रभाव। लिखने के द्वारा भी ध्वनि परिवर्तन होते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी के मित्र, भोग, मित्र, अशोक, राम जैसे शब्द मिश्रा, गुप्ता, मिश्रा, अशोका, राम आदि के रूप में उच्चारित होते हैं। उर्दू के प्रभाव से राजेंद्र का राजेंद्र, प्रधान का प्रधान, स्कूल का स्कूल उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है काल का प्रभाव। ध्वनि विकास में समय का भी प्रभाव पड़ता है। भारतवर्षीय वैदिक ध्वनियों और आज की आर्यभाषा हिंदी की ध्वनियों में अंतर मिलता है। द्रविड़ों के कारण आर्यभाषा में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रचार हो गया है और आज भी इनका प्रयोग हो रहा है। जैसे देवाचार देवा, मर्त्याचार मर्त्या, देवेवी देवे। अब देखेंगे सादृश्य। ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण सादृश्य है। किसी एक ध्वनि के आधार पर दूसरी ध्वनियों में भी समानता या एकरूपता लाई जाती है। जैसे स्वर्ग के सादृश्य पर नर्क हो गया, द्वादश के सादृश्य पर एकादश का एकादश हो गया। आत्म प्रदर्शन नेक्स्ट पॉइंट है। आत्म प्रदर्शन इसी कारण भी व्यक्ति बोलते समय ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं। खाली शुद्ध का निखालित, अशुद्ध। छात्र का छात, सेवक का सेवक, इच्छा का इच्छा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बोलते हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ध्वनि परिवर्तन के विषय में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।